सीमित कर्फ्यू के बाद भी राजस्थान में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे थे, लिहाजा राजस्थान सरकार ने और सख्ती बरत दी है। मगर राजस्थान में किस तरह के हैं कोरोना के हालात, हम बातचीत करेंगे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से। सर, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कर्फ्यू के बावजूद, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमने 19 तारीख से 3 मई तक 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा रखा था, कुछ सख्ती भी की गई उसमें, उसके बावजूद भी केसेस कल भी 15,000 के पार गए और डेथ्स भी हमारी 64 हुई। देखते हैं एक दो दिन में इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है, लेकिन अभी जो नई एसओपी कल जारी की है उसमें जो किराना की दुकान है या जो सब्जी की दुकान है, दूध की दुकान है, जिसको हमने खोला था इस कर्फ्यू के दौरान भी, उनके टाइमिंग्स को हमने कम कर दिया और वीकेंड कर्फ्यू, कंप्लीट कर्फ्यू लगाया जिसमें कोई शॉप नहीं खुलेगी। तो ये जो बढ़ती हुई संक्रमण की चेन है इसको तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप मास्क लगा के रहें, सावधानी रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसकी पालना करें। लोगों में थोड़ी असावधानी ज्यादा है और ये जो जन अनुशासन पखवाड़ा हमने रखा है वो उसकी वजह भी यही है कि आम आदमी जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक पॉजिटिविटी का जो परसेंटेज आ रहा है डेली उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सर, राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई क्या क्या स्थिति है? देखिए, रेमडेसिविर की कमी है, कुछ तो कमी है और कुछ हाहाकार ज्यादा मच रहा है। जो समझता नहीं रेमडेसिविर के बारे में वो भी रेमडेसिविर की बात करने लग गया। हकीकत यह है कि हमारे स्टेट के अंदर 1,17,000 पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं अभी, और भारत सरकार का जो एलोकेशन हुआ है जिसका चार्ट मेरे पास है उसमें हमसे कम पॉजिटिव केस है, एक्टिव केस हैं गुजरात में, वहां 1,63,000 आप रेमडेसिविर दे रहे हैं और हमारे उनसे करीब 20-22,000 एक्टिव केस ज्यादा है और हमको 26,500। भारत सरकार को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्टिव केसेस को देखते हुए ही, चाहे ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है, चाहे रेमडेसिविर और दूसरे इंजेक्शंस का अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट उसी दृष्टिकोण से किए जाने चाहिए कि किस राज्य में कितने एक्टिव केस हैं। ऑक्सीजन को लेकर एक हाहाकार मचा हुआ है, कई निजी अस्पताल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्या ऑक्सीजन की स्थिति है राजस्थान में? देखिए, जिस तरह से भारत सरकार ने बंटवारा किया, कल प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ये मुद्दा हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया था कि गुजरात में 900 से ज्यादा एमटी आप ऑक्सीजन दे रहे हो, वहां एक्टिव केस हमसे 20-22,000 कम है और हमें 120 एमटी दे रहे हो। वो पहले तो 80 दे रहे थे आप, फिर बाद में जामनगर से 40 एमटी और किया है। तो ये जो बंटवारा है ऑक्सीजन का भी, ये एक्टिव केसेस को देखते हुए इसका भी किया जाना चाहिए। अभी राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है, कई राज्यों में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो गई। आज फॉर्चुनेटली राजस्थान इन सब चीजों से बचा हुआ है, तो बचा रहना चाहिए ना। जब तक हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारे अपने संसाधनों से, चाहे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की बात है, चाहे हमारे अपने संसाधन है, उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन, जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं पूरे कंट्री में, उसको भारत सरकार ने अपने अधीन में ले लिया और उसकी टोटल ऑक्सीजन का जब आप बंटवारा कर रहे हो राज्यों में, तो वहां के एक्टिव केसेस को आधार बना के करना चाहिए, न कि अपनी मर्जी से। बहुत सारे केसेस जैसे उदयपुर हैं, अलवर है, पाली है, वहां पर आ रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी हो जा रही है, कई दृश्य आ रहे हैं कि लोग नीचे इलाज करा रहे हैं। देखिए, राजस्थान वो प्रदेश है जिसने पहले भी कोरोना का शानदार प्रबंधन किया और अभी भी हमने सारे जिलों में राउंड द क्लॉक 24 घंटे हमने हेल्प डेस्क बना दिए, जिसमें सीनियर आरएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स की पोस्टिंग की है और जिले में कौन से अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसमें वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है, ऑक्यूपाइड कितने हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं और उसमें से ऑक्यूपाइड कितने हैं, वेकेंट कितने हैं,
ये सारी स्थिति ऑनलाइन हम लोग राजस्थान की जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं और 24 घंटे हर रोज अपडेट होता है भाई, कोई मरीज ठीक होकर घर चला गया तो वो बेड खाली होगा, उसकी जानकारी हर रोज अपलोड करनी होगी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे सरकारी हॉस्पिटल। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमारे जितने कंट्रोल रूम है उनको हम दे रहे हैं, और कंट्रोल रूम के नंबर जिले के सब लोगों को मालूम रहेगा तो वहां फोन करने से ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को किस जगह एडमिट कराना है, कहां ऑक्सीजन की जरूरत है तो वहां बेड खाली है वहीं भेज दिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर क्या कोई निर्णय हो पाया कि किस तरह से 18 साल के जो ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेंगे तो सरकार खरीद के लगाएगी या लोगों को पैसा देकर लगाना पड़ेगा, अभी तक कुछ फैसला हो पाया? नहीं, वैक्सीन तो देखो लगानी ही है, 18 साल से 45 साल का जो एज ग्रुप है वो सबसे बड़ी संख्या है पूरी पॉपुलेशन की, तो वैक्सीन तो लगेगी। सवाल ये है जो आज देश के मन में उठ रहा है कि जो वैक्सीन 150 रुपए में भारत सरकार को दे रही है सीरम इंस्टीट्यूट, वो वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 में क्यों देगी और प्राइवेट को 600 में क्यों देगी? एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए, एक नेशन एक दाम। अगर वैक्सीन की कीमत 150 में भारत सरकार को मिल रही है तो राज्यों को क्यों 400 में दे रहे हो? कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। वो भी सरकार है, ये भी सरकारें हैं। जहां तक अपने राज्य के इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने की बात है उस पर तो हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ, हमें तो करना ही है। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार जो 45 साल से ऊपर को फ्री वैक्सीन दे रही है, हमारी मांग तो ये थी कि भारत सरकार इस एज ग्रुप के लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में लेती, लेकिन अगर वो राज्यों पे छोड़ेगी तो फिर हम इस आबादी के जो हमारे लोग हैं उनको हम वंचित थोड़ी रखेंगे वैक्सीनेशन। सबसे बड़ी चीज है आज राज्यों को पता नहीं है कि आपको कितनी वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई का काम भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, कितनी वैक्सीन आप देंगे राज्य की आवश्यकता के हिसाब से, तभी तो वैक्सीनेशन का हम प्लान कर सकते हैं। आज 2,09,00,000 लोग 45 साल से ऊपर के हैं और 3,13,00,000 वो 18 से 45 साल के बीच के एज ग्रुप के लोग हैं। अब उनको डबल डोज लगना है तो इतनी मात्रा में वैक्सीन भी तो चाहिए। कीमत की बात छोड़ दीजिए, खर्चा उठाने की बात छोड़ दीजिए, सवाल अवेलेबिलिटी का है। तो देश को, भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी क्या है, कितने टाइम में हम दोनों एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, क्योंकि हम 7,00,000 डोज पर डे लगाने की क्षमता रखते हैं राजस्थान में, जरूरत पड़ी और बढ़ा देंगे इसको, लेकिन सवाल ये कि वैक्सीन तो मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि चाहे वैक्सीन हो या दवा हो या फिर ऑक्सीजन हो, इसका न्याय संगत बंटवारा केंद्र को करना चाहिए। कैमरामैन के शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।